ओके क्वेश्चन में पूछ रहा है ये जो गिवन सीक्वेंस है ये एपी है या नहीं है, और अगर ये एपी होगा तो हम लोग को कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है और थ्री और टर्म्स हम लोग को लिखना है, ठीक है। सो कॉमन डिफरेंस के लिए हम लोग क्या करेंगे, देख लो, हम लोग सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस करेंगे, फिर थर्ड टर्म को सेकेंड टर्म से माइनस करेंगे, और फिर फोर्थ टर्म को थर्ड टर्म से माइनस करेंगे, और अगर माइनस करके हम लोग को डी मिल जा रहा है इसका मतलब हम लोग को कॉमन डिफरेंस मिल गया, अगर नहीं मिल रहा है तो एपी वो नहीं होगा, ठीक है। सो हम लोग सॉल्व करते हैं, ये देख लो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ठीक है। तो हम लोग रूट सिक्स को हम लोग लिख सकते हैं रूट थ्री इंटू रूट टू, करेक्ट, और माइनस रूट थ्री, ठीक है। यहाँ कॉमन, यहाँ देख लो रूट थ्री है, यहाँ भी रूट थ्री है, तो कॉमन आ गया रूट थ्री, तो यहाँ से क्या रिमेनिंग बचा, रूट टू, और यहाँ से वन, ठीक है। ये समझ में आ गया, काफी इजी था, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं, यहाँ देख लो रूट नाइन है, तो थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, ठीक है, तो रूट नाइन माइनस रूट सिक्स, तो रूट नाइन को हम लोग लिख सकते हैं थ्री, या तो हम लोग लिख सकते हैं रूट थ्री इंटू रूट थ्री, ठीक है। सो देख लो यहाँ थ्री माइनस रूट सिक्स मैं किया हूँ, अच्छा इसी थ्री को मैं यहाँ रूट थ्री इंटू रूट थ्री के फॉर्म में लिख सकता हूँ, तो यहाँ क्या बच रहा है, रूट टू, ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ रूट थ्री इंटू रूट टू ये रूट सिक्स आ गया, और रूट थ्री इंटू रूट थ्री थ्री, क्योंकि रूट नाइन का क्या वैल्यू होगा, थ्री ही होगा, करेक्ट। सो एक ऑब्जर्व करो, यहाँ यहाँ इतना फाइंड हुआ, ठीक है, और यहाँ इतना फाइंड हो रहा है, दोनों अलग है, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं, अच्छा रूट ट्वेल्व माइनस रूट नाइन मतलब फोर्थ माइनस थर्ड टर्म, तो रूट ट्वेल्व को हम लोग लिख सकते हैं टू रूट थ्री, करेक्ट। कैसे, देख लो यहाँ मैं समझाया हूँ, ये रफ वर्क है, ठीक है, इसको हम लोग प्राइम फैक्टराइज कर लिए, अब देखना ये पेयर में है, ठीक है। सो ये सिंगल निकल जाएगा और यहाँ से क्या बचेगा, रूट थ्री, ठीक है, क्योंकि पेयर पेयर से एक टू निकला, ठीक है, और ये क्योंकि ये सिंगल है तो इसीलिए इसमें रूट लग जाएगा, तो टू रूट थ्री, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये रूट ट्वेल्व कितना हो गया, टू रूट थ्री हो गया, और सेम इसको हम लोग लिख दिए रूट थ्री इंटू रूट थ्री रूट नाइन को, तो इतना आया, कॉमन आ गया रूट थ्री, तो यहाँ से क्या बचेगा टू, और यहाँ से रूट थ्री, ठीक है, ये समझ में आ गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, देख लो डी तो मिला नहीं, ठीक है, देख लो ये अलग है, ये अलग है, और ये जो हम लोग पहला वाला माइनस किए थे ये भी अलग है, तो तीनों अलग अलग फाइंड हो रहा है, ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस मिला नहीं, इसलिए यहाँ लिख देना देयरफॉर द गिवन सीक्वेंस इज नॉट एन एपी, ठीक है, ओके समझ में आ गया। ओके गूगल में टाइप कर लेना जेएस मैथमेटिक्स क्लासेस, ठीक है, ये वेबसाइट आ जाएगा, इसमें क्लिक करना, ओके इसमें क्लिक करने से ये रहा नोट्स का सेक्शन, ठीक है, यहाँ अलग अलग क्लास है, तो ये रहा क्लास 10, यहाँ क्लिक करना क्लास 10 में, सो ये रहा अलग अलग चैप्टर्स, ठीक है, इसका नोट्स है ये, इसमें जैसे हम लोग क्लिक करेंगे लाइट में तो ये रहा नोट्स, देख लो, ठीक है, इस तरह से नोट्स है, ठीक है, ये रहा नोट्स, और उसके बाद यहाँ क्वेश्चन है, और ये रहा एनसीईआरटी सॉल्यूशन, इसमें अगर क्लिक करेगा तो ये रहा क्लास 10 में क्लिक करना, तो ये रहा चैप्टर वाइज है, रुको, ये रहा चैप्टर वाइज, जैसे एपी तो यहाँ क्लिक करना अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस, सो ये रहा क्वेश्चंस, और क्वेश्चंस और फिर सॉल्यूशन, इसको क्लिक करना तो सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है, ये क्वेश्चन और ये सॉल्यूशन, ये रहा क्वेश्चन ये सॉल्यूशन, ये रहा क्वेश्चन ये रहा सॉल्यूशन, क्लिक करना तो ये सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है, ये रहा देख लो, ओके okay?